तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ा था? अच्छा, सबको आवाज आ रही है? यस यस सर, यस सर। सर, बोर्ड भी क्लियर है ना? हाँ अरे सर। बोलो। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने ये देख लिया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अपना ये मीनिंग था कि कोई भी रे इंसिडेंट करवाए तो जनरल रिफ्रैक्शन तो करवाना आता है आपने, लेकिन रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज करते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रेक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाती है, यानी 90 डिग्री एंगल पे रिफ्रेक्ट हो जाती है, यानी उसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 हो जाता है। उस एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब उससे ज्यादा अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि विदाउट मिरर रे जो है वापस से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाती है, इसी को अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन फॉर टीआईआर, कंडीशन फॉर टीआईआर। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि डेंसर से रेयर जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उन्हीं रेस के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या उन्हीं वही रेस रिफ्लेक्ट होगी जिन रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, यानी आई जो है मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी। आई सी यानी क्रिटिकल एंगल। तो ये दोनों कंडीशन अगर कहीं पे भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन जहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू सरफेस। और रिफ्रैक्टेड रे अगर सरफेस के पैरेलल है, सेपरेटिंग सरफेस के अगर पैरेलल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो लास्ट क्लास में अपन N1 साइन थीटा 1 इक्वल टू N2 साइन थीटा 2 से IC की वैल्यू भी निकाली थी कि IR की वैल्यू 90 है। तो N1 यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा 1 यानी साइन IC इक्वल टू N2 यानी N2 लिख लेता हूं मैं। अभी तो अपन लास्ट क्लास केस में तो एयर ली थी,
बट डिफरेंट मीडियम भी हो सकता है. ये है एरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 2. यहां से आईसी की वैल्यू कितनी आ गई, आईसी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एन टू अपॉन एन वन. एन टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम. एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं ना, बार बार अपन एन वन एन टू से कंफ्यूज नहीं होते. मैं ऐसे लिख लेता हूं एन लेस अपॉन एन मोर, एन कम अपॉन एन ज्यादा. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि अगर तुम गलती भी करोगे तो भी गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी. कैसे आएगी, कि साइन आई सी इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू है, तो अगर तुम डेंसर मीडियम को ऊपर ले लोगे तो साइन थीटा ग्रेटर देन वन आ जाएगा. तो साइन थीटा ग्रेटर देन वन हो सकता है क्या? No, sir. साइन थीटा तो अपने को पता माइनस वन से वन होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो वन होती है, तो ये ऑटोमेटिकली गलती अपनी पकड़ में आ जाएगी. तो बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर किसी को कोई डाउट है? नो सर. नहीं सर. क्या अपन इसके एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं अभी? यस सर. ठीक है, तो इसको रफ कर दूं या नोट कर रहे हो? सर दो मिनट. हाँ जल्दी कर लो. हो गया सर. ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ट्राई करते हैं पहले, उसके बाद अच्छा एग्जांपल ट्राई करते हैं. तो पहला एग्जांपल है अपने पास, ये ऐसी कोई ग्लास की सरफेस है, आगे अपन पढ़ेंगे इसको प्रिज्म बोलते हैं. ऐसी ग्लास की सरफेस को प्रिज्म बोलते हैं. अभी अपन अपने लिए एक कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से ये जो एन जो है वो 3/2 है, और यहां पे वाटर है, यानी इसका एन 4/3 है. एन 4/3 है. तो यहां पे एक कोई रे आ रही है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये जो सरफेस है इसको मैं नाम बोल देता हूं ए बी. तो अपने को ये निकालना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of incidence at AB so that PIR takes place PIR AB surface से PIR होने के लिए
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए ये अपने को निकालना है। सब लोग ट्राई कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। वन पॉइंट जीरो सेवन फाइव डिग्री। कैसे निकाला? साइन की वैल्यू आ रही है 9/8। ऑनलाइन गूगल से देखा क्या? नहीं सर, कैलकुलेटर से किया। हाँ तो कैलकुलेटर आज ऐसा करना कि लाइटर है तुम्हारे पास? लाइटर है तुम्हारे पास? है सर। लाइटर नहीं है तो गैस, गैस तो होगा सही, गैस स्टोव तो होगा ही सही। है सर, लाइटर भी है। लाइटर भी है, ठीक है। तो ऐसा करना कि लाइटर लगा के कैलकुलेटर को हवा में उड़ा देना। कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि आदत, एक बार आदत लग गई तो खुद से कैलकुलेशन होगी नहीं फिर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटर यूज करना बिल्कुल हार्मफुल है, गलत आदत डाल देगा अपनी, ठीक है। जो आंसर आ रहा है अपन नॉर्मल कैलकुलेशन से वही बता दो। चलो तो ये रेस यहां से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये सीधी की सीधी निकल रही है। अब इसका नॉर्मल बना लेता हूं, ये नॉर्मल हो गया तो इस, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब सोच के बताओ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है यानी 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी 1. कितना होगा? 3 के आसपास होगा। क्या ये डेंसर मीडियम है? ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है, और डेंसर से रेयरर अगर जा रही है तो रिफ्रैक्ट TIR पॉसिबल है। पॉसिबल तभी होगा जब I ग्रेटर देन IC होगा, तो IC निकाल लेते हैं अपन। तो IC निकालने के लिए, IC का मतलब IC जो एंगल ऑफ, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइप से होना चाहिए जिससे रे इसके पैरेलल चली जाए, रिफ्रैक्टेड रे इसके पैरेलल अगर चली गई तो इस एंगल को IC बोल दूंगा, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल 90 है। तो वैसे अपने को डायरेक्टली पता है कि IC की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स n लेस अपॉन n मोर, n कम अपॉन n ज्यादा। n कम कितना है? 4/3। n ज्यादा कितना है? 3/2। तो ये आ गया IC जो है वो आ गया साइन इनवर्स 8/9, यानी I अगर ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9 हुआ तब तो हर केस के अंदर जो रे होगी रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसी जाएगी, और अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसके लिए भी अपन कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो इसका इमेज यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपने से पूछे कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा अगर I ग्रेटर देन साइन इनवर्स 9/8 है, तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अब अपन ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे जो रेस आ रही थी, चलो ठीक है इसको मैं रफ कर देता हूँ, नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है तो रफ कर दो। यस सर। ठीक है,
वैसे मैंने पूछा नहीं, भूल गया मैं, सार्थक था या कौन था? सार्थक ही था आई थिंक। लाइटर तुम्हारे पास है, लाइटर क्या करते हो? सर मैं था, अनन्य प्राणो। क्या सर? मैं था, अनन्य प्राणो था सर। हाँ लाइट का, लाइटर का क्या करते हो? सर गैस चालू बंद करते हो सर। अच्छा उस लाइटर की बात नहीं कर रहा था मैं, एक लाइटर और आता है। कौन सा वाला? जिससे फ्लेम निकलती है? नहीं सर वैसा वाला नहीं, स्पार्क वाला सर। हाँ स्पार्क वाला, ठीक है कोई बात नहीं, स्पार्क वाला है तुम्हारे पास राइट? यस सर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अपन एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो एग्जांपल अपन देख रहे हैं इसको तुम्हें रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है, लेकिन अभी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे से डायरेक्टली अपने को इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना है। एग्जांपल क्या है देखो समझते हैं कि ये कोई सरफेस है, इतनी सरफेस के अंदर कोई डेंसर मीडियम है, जैसे अपन ने वाटर फिल कर लिया, और यहां पे एयर है। तो इन जनरल अभी अपन इसको रिजल्ट के टाइप से डेराइव करना चाहते हैं, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एन ही ले लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और यहां पे एयर है। यहां पे अपन ने कोई इसके बॉटम पार्ट पे कोई बल्ब लगा दिया इस टाइप से, ये क्या है? कोई लाइट सोर्स है, या बल्ब बोल सकते हो, कोई लाइट सोर्स है। यहां पे ये कोई लाइट सोर्स है या बल्ब है। इस क्वेश्चन को देखो ना, मॉडिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रिजल्ट अपना सबसे काम आएगा। तो अपने से क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां से यहां, इधर से इधर कोई ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को, अच्छा इन दोनों सरफेस के बीच में कितनी लेंथ के अंदर वाटर भर गया, वो अपने को लेट से कि हाइट एच गिवन है, तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि लेंथ इन विच ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज लेंथ इन विच ऑब्जर्वर कैन सी लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब, लेंथ इन विच ऑब्जर्वर कैन सी लाइट ऑफ बल्ब, बल्ब की जो लाइट है ऑब्जर्वर कितने लेंथ के अंदर जो है देख सकता है, या फिर ऐसे बोल दो कि टाइम इंटरवल, या लाइट की बजाय ऑब्जेक्ट ले लो, क्योंकि लाइट्स तो दूर से भी देख सकता है, यानी कितने के अंदर ब्राइटनेस होगी, ये अपन ऐसा कर लेते हैं या ऑब्जर्वर को हटा ही देते हैं, तो अपन ये कर लेते हैं कि लेंथ, फाइंड आउट लेंथ इन विच देयर इज ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ड्यू टू बल्ब, कितनी लेंथ के अंदर बल्ब की वजह से ब्राइटनेस होगी ये अपने को पता लगना। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि बल्ब की ब्राइटनेस तो बहुत दूर तक होगी, ऐसा होगा क्या? जहां तक बल्ब की रेस, जहां तक बल्ब की रेस रिफ्रैक्ट होगी यानी उस मीडियम में जाएगी,
वहां तक तो वहां पे ब्राइटनेस दिखेगी, लेकिन अगर अपने को पता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ये वापस से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद लाइट की ब्राइटनेस फिर यहाँ पे दिखेगी, वहां पे नहीं दिखेगी। अरे बस समझ में? Yes, sir. या इन मीडियम, इन एयर बोल देता हूँ मैं, एयर के अंदर ब्राइटनेस कितनी दिखेगी वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी इसके बाद तो कुछ एरिया तक एयर के अंदर ब्राइटनेस दिखेगी, उसके बाद तो वापस उसी मीडियम में ब्राइटनेस दिखना शुरू हो जाएगी। तो वो तुम लेंथ निकाल सकते हो या एरिया निकाल सकते हो क्या? सर एरिया के लिए मतलब उसका बेस हाइट भी लगेगा ना, बेस लेंथ क्या? सर एरिया निकाल मतलब ट्रायंगुलर एरिया बनेगा तो उसके लिए बेस का लेंथ भी लगेगा ना सर? हाँ तो वो सॉल्व कर सकते हो ना तुम। देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, आराम से समझना इसको। देखो इससे जो रेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी वो ऐसे कैसे निकल जाएगी? कैसे? यहां पे जो रेस आएगी वो भी ऐसे निकल जाएगी, यहां पे भी ऐसे निकल जाएगी। मैं ये मानता हूं कि एंगल ऑफ जैसे आईसीपी मैंने कोई रे इंसिडेंट करवा लिया नॉर्मल के साथ, ये एंगल आई सी है तो ये रेस ऐसे चली जाएगी। ऐसे कैसे? इधर भी ऐसी कोई रेस अगर जाए जो एंगल आई सी पे इंसिडेंट हो रही है तो ये भी रेस इधर चली जाएगी। इन दोनों रेस के जस्ट बाद कोई रेस अगर जाएगी इस बल्ब से तो क्या वो वापस उसी मीडियम में जाएगी? Yes, sir. तो ये सबसे लास्ट वाली रेस है जो कि जिनकी वजह से ब्राइटनेस इस एयर के अंदर थोड़ा बहुत फील हो सकता है। इसके बाद सारी की सारी रेस इस मीडियम से रिफ्रेक्ट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, वापस उसी मीडियम में आएगी। इसके बाद अगर कोई रेस आएगी तो वो उसी मीडियम में आएगी, यानी इतने लेंथ के अंदर जो है अपने को दिखेगा। तो ये मैं सिमेट्रिकली बोल सकता हूं, अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, ये d लेंथ निकालनी है, ये हाइट h है और ये एंगल, ये अगर एंगल ic है तो क्या ये एंगल भी ic होगा? यस सर, ये एंगल भी आईसी होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से मेरे को डी की वैल्यू बताओ। इस राइट एंगल ट्रायंगल से डी की वैल्यू बताओ। D की वैल्यू आ जाएगी, देखो D की वैल्यू आ जाएगी H into tan IC हो जाएगा क्या? Yes sir. हाँ sir. अरे tan theta लिख लो ना, Y upon X. Yes sir. Y upon X tan theta होता है, तो D upon H tan theta हो जाएगा। D हो गया H into tan IC। अब tan IC की वैल्यू निकालनी है, तो tan IC की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को sin IC और cos IC की वैल्यू पता है M की फॉर्म में। sin IC तो कितना होगा? sin IC हो जाएगा 1 upon M air और इसका refractive index M, और sin IC अगर N है तो cos IC क्या लिख सकता हूँ बताओ? under root of 1 minus 1 upon n square लिख सकता हूँ।
अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और साइन आईसी अपॉन कॉस आईसी टेन आईसी हो जाएगा, तो डी कितना आ गया बताओ, एच इंटू टेन आईसी साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया देखो अंडर ये एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, एन से एन कैंसिल हो गया, तो क्या वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एन स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर माइनस वन ना, एन स्क्वायर माइनस वन, हाँ एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है Yes, sir. अब देखो एक्चुअली तुम कुछ लॉजिकली सोचो, जैसे ऐसे बल्ब बीच में रखा हुआ है, तो बल्ब की रेज ऐसी थोड़ी है कि एक एक्सिस के अराउंड ही जाएगी, क्या एरियल वेव एरियल फील्ड में जाएगी, ऐसे चारों तरफ जाएगी, क्या 3D में जाएगी सर, क्या 3D में जाएगी, वेरी गुड, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ एक सर्कल बनेगा क्या, यस सर, और उस तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, उस सर्कल के अंदर ये रेस जाएगी, ये 3D के अंदर बना रखा है मैंने, ठीक है, ऐसे ऊपर, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी बताओ, डी, तो इसको मैं आर से लिख लेता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, रेडियस को स्मॉल आर से लिख लेता हूँ, यानी इतनी रेडियस का सर्कल इस सर्कल के अंदर, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस स्टिल होगी एयर के अंदर, या इस बल्ब की या लाइट पहुंचेगी, उसके बाद इस मीडियम के अंदर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, इस सर्कल के अलावा कहीं पे भी लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ऐसे भी तो ऐसे भी रेज आएगी, तो एक इंसिडेंट एंगल कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद आईसी से ज्यादा हो जाएगा, तो वापस रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो चारों तरफ 3D के अंदर एक ऐसा सर्कल बनेगा, उसके अंदर इस बल्ब की लाइट जाएगी, ये तुम प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हो, कोई डेंसर मीडियम बल्ब के ऊपर रख दोगे तो बल्ब की जो लाइट है अपने को एक सर्कुलर पाथ पे दिखेगी, ये सर्कुलर फॉर्म में दिखेगी, या फिर अब इसमें इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कैसे कर सकता है, देखो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अपने से पूछ सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कितने सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जर्वर घूमे, मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है सर्कुलर पाथ की, जिससे उसको वो इमेज किस ऑब्जेक्ट की दिखाई दे, तो भी यही होगा, या फिर अपने से ये पूछ सकता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर कि अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोल सकता है कि ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट करे तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन पूछ सकता है, यानी रेडियस जहां पे भी जरूरत पड़ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो रेडियस का अपने पास अगर फॉर्मूला पता है तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन हर जगह इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने को रेडियस ऑफ सर्कल ध्यान रखनी है, रेडियस ऑफ सर्कल ये हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, अच्छा एयर नहीं हुआ और एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हुआ तो एन की जगह क्या हो जाएगा, n relative, n relative कैसे लिखोगे, n relative कैसे लिखोगे, n of denser medium upon n of rarer medium, क्योंकि denser medium के respect में लिख रहे हो, तो ये result याद रहेगा क्या, Yes, सबको याद रहेगा ना, अपने मॉड्यूल के अंदर ऐसे तीन चार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं आना चाहिए,
अभी किसी को डाउट है तो मेरे को अभी बता दो। ठीक है, और इस सर्कल का जो नाम होता है ऑप्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस सर्कल। सर्कल क्या है वो समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो डायरेक्टली अपने को रिजल्ट ध्यान रखना है। एच क्या है? एच क्या है? लेंथ ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम की लेंथ भी नहीं, ज्यादा अच्छे वर्ड्स में बोले तो थिकनेस ऑफ डेंसर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेयरर मीडियम या सरफेस से लेंथ। एच क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस। सरफेस से लेंथ जो है वो एच है, यानी हाइट बोल दो या डेप्थ बोल दो, जो भी बोलना चाहो। एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन। क्या याद रहेगा सबको? यस। फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अगर मैं कोई नॉन ट्रांसपेरेंट स्लेट रख दें, कोई स्लेट रख दें, कोई पट्टी रख दें, कितना एरिया के अंदर रखनी चाहिए जिससे इस बल्ब की लाइट उस मीडियम में बिल्कुल भी नहीं पहुंचे, मतलब वहां पे बिल्कुल भी ब्राइटनेस फील नहीं हो, तो वो भी यही आंसर हो जाएगा। ऐसे सब निकाल सकते हो ना। यस सर। तो कोई डाउट नहीं है, राइट? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? इसको रफ कर दूंगा मैं। यस सर। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाते हैं। देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाते हैं। ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसके सेंटर पे यहां पे कोई रे इंसिडेंट करवाते हैं अपन। ऑप्टिकल फाइबर का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जिसके अंदर रे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा, तो ये लाइट रे कंटिन्यूअसली जो है टी आई आर करके फिर इधर जाती है। यहां पे आती है तब इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती, इसके बाहर लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कि एन है और यहां पे एयर है, तो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन एडजस्ट कर सकते हैं। एन तो एक बार तुमने ऑप्टिकल फाइबर चूज कर लिया तो अब तुम एन चेंज नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का इस तरीके से रखते हैं जिससे इस सरफेस से जब ये आएगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे पहुंच जाएगी, फिर यहाँ पे भी वापस से टी आई आर होगा, यहाँ पहुंचेगी, फिर वापस से टी आई आर होगा, ऐसे करके फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। यानी लाइट जब तक यहां तक पहुंचेगी तब स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल नहीं करेगी, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल फाइबर है, फिर भी लाइट बाहर नहीं पहुंचेगी, इसके अंदर ही अपने को बाहर से अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर ही ऐसी चमक दिखेगी, ब्राइटनेस दिखेगी, अपने को बाहर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंचेगी।
तो अपने को ये पता करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस फॉर PIR फ्रॉम एवरी सरफेस. हर सरफेस से PIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? फिर सबसे पहले आपने क्या बोला वो बाहर निकले? अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? सर सबसे पहले आपने क्या बोला वो नहीं समझा. क्या हुआ? स्टार्टिंग में आपने क्या बोला वो नहीं समझा सर. सुनाई नहीं दिया तुम्हें? नो सर, वो प्रॉब्लम नहीं तो सवाल. मैं ये बोलता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कोई पाइप होता है, सिंपल ऐसे समझ लो, और उस पाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n है. अब अपन ने क्या किया कि कोई रे इंसिडेंट करवाई, मतलब कोई लाइट रे पास करी, तो लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन ऐसे इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि जिस सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है उस हर सरफेस से रिफ्रैक्शन के टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन आईसी से ज्यादा रखते हैं. तो आईसी से ज्यादा रखते हो मतलब हर फर्स्ट सरफेस से PIR होता है. तो फिर रे जो है, लाइट जो है, वो बिल्कुल भी इस ऑप्टिकल फाइबर के बाहर नहीं जाती है, अंदर के अंदर जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है. तो अपने यही पूछा है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जिससे हर सरफेस से PIR हो जाए, ये अपना क्वेश्चन है. और बाहर एयर है और ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. अभी क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर. तो सॉल्व करो फटाफट, फाइनल आंसर बताओ मेरे को फटाफट. फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है क्या? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है आपने. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो आई की फॉर्म में. या आई भी नहीं आएगा आई की आंसर. मैक्सिमम अगर या मिनिमम अगर फाइंड करना है तब तो जरूरत नहीं. Find refractive index for PIR from every surface. ये n की वैल्यू पता करनी है, किससे ज्यादा होनी चाहिए किससे कम होनी चाहिए. तो देखो मैं सॉल्व करता हूं इधर यहां. तो सबसे पहले ये नॉर्मल बना लिया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया. तो अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो डेंसर मीडियम का एन जो होता है वो ज्यादा होता है तो साइन थीटा कम होगा, यानी इधर ऐसे चली जाएगी. तो ये ऐसे चली गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया. अब इस सरफेस से PIR हो रहा है तो PIR होने के लिए जैसे ये मैं नॉर्मल बना लिया मैं, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ये 90 है ये आर है तो ये कितना होगा बताओ? 90 माइनस आर हो जाएगा. यस सर. अच्छा, PIR के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर PIR पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि जो रे है वो डेंसर से रेयर में जा रही है. दूसरी कंडीशन है कि जो आई है वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए. आई कितना है? 90 माइनस आर. तो 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन IC. और IC की वैल्यू पता है मेरे को. IC कितना होता है? साइन इनवर्स 1/n. तो 90 माइनस आर ग्रेटर देन होना चाहिए साइन इनवर्स 1/n. तो इसको इधर भेज देता हूं तो साइन 90 माइनस आर ये हो गया ग्रेटर देन 1/n. इधर सॉल्व करता हूं मैं इसको और 90 माइनस आर को मैं कोस आर लिखता हूं. कोस आर
ग्रेटर देन 1 अपॉन n। अब अपने को cos r की वैल्यू निकालनी है i फॉर्म में, तो cos r को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ cos r को क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर r लिख सकता हूं। यस सर, तो ये लिख लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर r ग्रेटर देन 1 अपॉन n। अब फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, क्योंकि मेरे को sin r की वैल्यू चाहिए। तो n1 कितना है 1 फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन n1 sin theta 1, n1 into sin i equal to n2 यानी n into sin r, यानी sin r की वैल्यू कितनी आ गई, sin i upon n। तो sin r की जगह लिख सकता हूं sin i upon n, तो यहां से आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर r यानी sin स्क्वायर i upon n स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन n, ये आ गई। तो पहले ये नोट करो, फिर इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं और मॉडिफाई करता हूं। अब मैं n की सारी टर्म्स इधर में एक तरफ भेज देता हूं और sin की सारी i की सारी टर्म्स एक तरफ भेज देता हूं। जल्दी नोट करो फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये नोट कर लिया कि इसको ऑफ कर दूं क्या? यस सर, इसको रफ कर देता हूं। तो देखो इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं इस इनइक्वालिटी के अंदर, जो कि n पॉजिटिव है तो अपने को मोड वगैरह लगा रहे की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर कर सकता हूं। तो ये हो गया 1 माइनस, यही कर लेता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर i अपॉन n स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन n। सर n स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ n स्क्वायर, तो इसको 1 को इधर भेज देता हूँ तो sin स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर sin स्क्वायर i अपॉन n स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये आ गई, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो sin स्क्वायर i शुड बी लेस देन n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1। अब तो sin i शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, तो i आ गया i should be less than sin inverse under root of n square minus 1। तो अब देखो यहां पे दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर अपने को i पूछा है तो ये आ जाएगा, अगर n पूछा है तो इसको इधर बेस की n निकाल लो, i की फॉर्म में n पूछ सकता है, n की फॉर्म में i पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। तो i इतना इससे कम होना चाहिए तब जो है हमेशा TIR होगा, या फिर n की फॉर्म में निकालोगे तो n की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। देखो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस sin स्क्वायर i। तो n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin स्क्वायर i। ये आ गया, अच्छा अगर अपने को n मैक्सिमम पूछा है
तब भी निकाल सकते हो, n मिनिमम पूछा है तब भी निकाल सकते हो, n मैक्सिमम तो साइन स्क्वायर मैक्सिमम कितना होता है? वन. तो n की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है? अंडर रूट टू. मिनिमम वैल्यू पूछिए तो साइन स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो. तो n की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन वन होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू वो भी ग्रेटर देन अंडर रूट टू होनी चाहिए. तो इस टाइप से तुम सॉल्व कर सकते हो. मैक्सिमम मिनिमम कुछ ही पूछे, यहां से कुछ ही पूछ सकता है तुमसे. सर हाँ बोलो. सर ऑप्टिकल फाइबर में एक एंड से रे जाती है और दूसरे एंड से निकलती है क्या? हाँ एक सेकंड वापस से रिपीट करो क्या बोल रहे हो. सर ऑप्टिकल फाइबर में एक एंड से एंटर होती है और दूसरे एंड से एग्जिट होती है क्या? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि पूरा का पूरा ये ग्लास, ये हॉलो पाइप नहीं होता, सॉलिड पाइप होता है ग्लास का. ग्लास का सॉलिड पाइप है तो अपना मोटिव ये रहता है, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे लेकिन अपना मोटिव ये रहता है ऑप्टिकल फाइबर को बनाने का कि अपन लाइट को विदाउट डिस्ट्रैक्शन एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक ट्रेवल करवाना चाहते हैं, यानी लाइट को फैलने नहीं देते. तो अपन क्या करवाते हैं कि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जैसे यहां पे आ रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन अंडर रूट टू होना चाहिए, तो ऐसे कैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका इस टाइप से लेते हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइप से लेते हैं. जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एडजस्ट करो या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एडजस्ट करो, जो भी करना चाहो तुम, जो भी तुम्हारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है. तो इस टाइप से लेते हैं कि लाइट अगर एक एंड से एंटर कर रही है तो जब वो दूसरे मीडियम में जाने का ट्राई करे, यानी रेयर मीडियम में जाने का ट्राई करे, तो हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होना चाहिए टी आई आर हो जाए. तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, यहां पे रे पहुंची फिर यहां पे पहुंची फिर वापस यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर निकलेगी, ऐसे चलती रहेगी. इसी को ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं. आ रही है बात समझ में? हाँ सर. ठीक है तो इस टाइप से अपन इसको बनाते हैं इसी को. तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है. आ रही बात समझ में? यस सर. यस सर. तो अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर एन मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि n जो है वो ग्रेटर देन टू अंडर रूट टू आर. कैसे? कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती और n बोल रहा है कि इससे ज्यादा होना चाहिए. तो ये मैक्सिमम अगर वन हो जाए तो ये अंडर रूट टू हो सकता है. तो ऐसी ऐसी बातें हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर सकते हैं. और अपने को अगर उसने n गिवन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और उसने बोल दिया कि बताओ इसके अंदर टी आई आर होगा कि नहीं होगा, तो अपन आराम से पता कर सकते हैं.